तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था यूट्यूब चैनल आप कैसे क्रिएट करोगे, और मैंने आपको ये भी कहा था कि आप हमेशा ब्रांड चैनल क्रिएट करें, पर्सनल चैनल या पर्सनल नाम से या पर्सनल चैनल ना क्रिएट करें। जो बेनिफिट होते हैं ब्रांड चैनल क्रिएट करने के, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। ब्रांड चैनल क्रिएट करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप इसमें मल्टीपल लोगों को ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप आपके चैनल के लिए मैनेजर्स ऐड कर सकते हो, कम्युनिकेशन मैनेजर ऐड कर सकते हो, डायरेक्ट मैनेजर ऐड कर सकते हो, और तीसरा रोल उसमें होता है ओनर का, जो आपके खुद के पास रहता है। आज अगर आप चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो आपका चैनल डेफिनेटली ग्रो करेगा, और जब चैनल ग्रो करता है तो उसके बाद आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो आपकी टीम मेम्बर्स होते हैं या कलीग्स होते हैं, जिसकी हेल्प लेकर आप आपके चैनल पर काम करते हो। फॉर एग्जांपल, कम्युनिकेशन मैनेजर जो होता है यूट्यूब पर, वो कमेंट्स के रिप्लाई देने के लिए होता है। जैसे कि आपने पर्टिकुलर किसी बंदे को अपॉइंट किया है कि वो सिर्फ कमेंट के रिप्लाई दे, क्योंकि यूट्यूब के वीडियो पर जब कमेंट आते हैं तो उसको रिप्लाई, टाइमली रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी होता है, और इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके सब्सक्राइबर पर या आपकी ऑडियंस पर, अगर आप आपके ऑडियंस के कमेंट्स को रिप्लाई करते हो तो। तो ये सब देखने वाले हैं हम आज की वीडियो में कि कैसे होता है, कैसे मैनेजर्स ऐड करते हैं। तो अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करो, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए देखते हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। अगर आप मोबाइल पर यूज़ कर रहे हो, अगर आप मोबाइल पर यही काम करना चाहते हो, तो आप मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल करें या गूगल को क्रोम ब्राउज़र ओपन करें, और उसमें राइट साइड में जो आपको 3 डॉट्स दिखते हैं गूगल क्रोम में, उस पर क्लिक करें और डेस्कटॉप साइड ओपन करें, तो आपको लैपटॉप और डेस्कटॉप की साइड के जैसा ही लेआउट मिलेगा। जैसा अभी आपको दिखाया जा रहा है वैसा ही आप आपके मोबाइल में एज इट इज़ कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्रांड अकाउंट आपको बनाना है। अब अगर आपने ब्रांड अकाउंट बना लिया है तो आपको मैनेजर उसमें आप ऐड कर सकते हो, पर्सनल अकाउंट में आप मैनेजर नहीं ऐड कर पाओगे, उसके लिए आपको ब्रांड अकाउंट में चेंज करना पड़ेगा पर्सनल अकाउंट को। और अगर आप पर्सनल अकाउंट से ब्रांड अकाउंट में चेंज करते हो तो आपके चैनल पर जितने भी कमेंट्स हैं, जितने भी लाइक्स हैं और शेयर्स हैं, वो सारे डिसेबल हो जाएंगे जो पहले के हैं, बाद वाले जो आएंगे वो अलग से रहेंगे। तो अब आपको जब ब्रांड अकाउंट को मैनेज करना है, आपके YouTube चैनल में मैनेजर ऐड करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, youtube.com/account ये आपको टाइप करना है, तो आपका ये अकाउंट का पेज ओपन हो जाता है। अब जब ये पेज ओपन हो जाता है तो यहाँ पर आपको योर YouTube चैनल के नीचे आपको ऑप्शन आते हैं कि आप आपके चैनल के स्टेटस और फीचर को मैनेज कर सकते हो, ऐड मैनेजर टू योर चैनल। अब अगर मुझे मेरे चैनल टेक्नो सर्च में मैनेजर ऐड करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन है चैनल मैनेजर्स का, यहाँ पे आप ऐड और रिमूव मैनेजर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और ऐड और रिमूव मैनेजर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर परमिशन का ऑप्शन आता है, मैनेज परमिशन। तो यहाँ पर मैनेज परमिशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो भी पासवर्ड है वो आपको लॉगिन करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरा पासवर्ड लॉगिन कर रहा हूँ। अब देखिए फ्रेंड, ईमेल आईडी और पासवर्ड वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पर आपको ये वाला पेज दिख रहा है, यहाँ पर आपको यूजर्स का ऑप्शन आ रहा है, चेंज रोल, इनवाइट एंड रिमूव यूजर। अगर आपके पास कोई यूज़र आप जिसको मैनेजर ऐड करना चाहते हो तो आप मैनेज पर क्लिक करें। यहाँ पर देखिए सिंगल यूज़र बता रहा है अभी, प्राइमरी ओनर, मतलब मैं अकेला ही इस चैनल को मैनेज कर रहा हूँ, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली मुझे आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी अपने चैनल को मैनेज करने के लिए, तो मैं यहाँ से यूट्यूब मैनेजर के इस ऑप्शन से ही मैनेजर ऐड करूँगा, और हर किसी को यहीं से ऐड करना है, क्योंकि यूट्यूब भी यही रिकमेंड करता है। अगर आपको किसी को आपके चैनल को मैनेज करने के लिए अपॉइंट करना है तो आप यहां से उसे ऐड करें, आप उसे ईमेल आईडी और पासवर्ड ना दें अपना, अदरवाइज आपके चैनल की ओनरशिप जा सकती है। ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं जिसकी वजह से यूट्यूब ने ये ऑप्शन बताया है कि इस तरीके से आप आपके चैनल में मैनेजर ऐड करें। अब हम यहाँ पर ये प्लस के आइकॉन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको जो जिसको भी आप मैनेजर एज अ मैनेजर यूट्यूब मैनेजर ऐड करना चाहते हो आपके चैनल में, उसका ईमेल आईडी डाल दें। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि ठीक है, तो ये आईडी मैंने यहाँ पे डाल दी है, ईमेल आईडी, ये आईडी वैलिड नहीं है, मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए डाली है। अब यहाँ पर आपको मैनेजर का रोल सेलेक्ट करना है या चूज़ करना है, तो यहाँ पर आपको 3 रोल मिलते हैं, ओनर मिलता है, मैनेजर मिलता है, कम्युनिकेशन मैनेजर मिलता है।
कम्युनिकेशन मैनेजर जो है इसके राइट सबसे कम है, ये सिर्फ कम्युनिकेट करेगा आपके सब्सक्राइबर से, जो कमेंट्स आएंगे उसके रिप्लाई देगा या कमेंट करेगा, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको सिर्फ कमेंट्स को मैनेज करने के लिए या कमेंट के रिप्लाई देने के लिए किसी को रखना है तो आप उसे कम्युनिकेशन मैनेजर का रोल दे सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि भाई कोई दूसरा मैनेजर हो जो उससे ज़्यादा कुछ काम करे, मतलब कमेंट्स के रिप्लाई भी दे और वीडियो अपलोड करे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन टाइटल टैग्स में एडिट डिलीट कुछ करना है तो वो कर सकता है, तो उसे आप मैनेजर का रोल दें, वो मैनेजर के लेवल के काम कर सकता है और वो अपनी ईमेल आईडी से आपके चैनल में, आपके चैनल के स्टूडियो में लॉगिन कर सकता है क्योंकि आपने उसे यहाँ से परमिशन दी है उस चीज़ की, लेकिन वो आपके चैनल का ओनर नहीं है, ओनर के राइट्स आपके पास ही रहेंगे। तो आप इस तरीके से किसी को अपने चैनल का मैनेजर बना सकते हो। अगर आप बिजी चल रहे हो फिर भी आप चाहते हो कि आपके चैनल को ऐसे ही खाली ना छोड़ा जाए, जो आपके सब्सक्राइबर है व्यूवर्स है उनको इंटरटेन करने के लिए, उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए कोई होना चाहिए, तो आप यहाँ से किसी को एज अ मैनेजर ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड आज का वीडियो इसी पर था कि आप यूट्यूब पर मैनेजर कैसे ऐड करोगे आपके चैनल में, और ये सिर्फ ब्रांड चैनल में आप कर पाओगे, आप पर्सनल चैनल में ये नहीं कर पाओगे। तो जब एक चैनल बड़े लेवल पर जाता है, ब्रांड बनता है, तो वहाँ पे बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ती है, 8 से 10 लोग लगते हैं जो चैनल को मैनेज करते हैं, कोई कंटेंट क्रिएट करता है, कोई अपलोड करता है, कोई SEO करता है, कोई रिस्पॉन्स देता है सब्सक्राइबर के, कोई रिसर्च करता है कि भाई कितने व्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं और किस चीज़ पर कंटेंट बनाना है, कहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, कौन सी वीडियो अच्छी चल रही है, कौन सी वीडियो को प्रमोट करना है, तो ये सारे चीज़ों के लिए अलग अलग लोग लगते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों के चैनल भी बहुत आगे जाएंगे और आपको डेफिनेटली इस फीचर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इस फीचर को अपने चैनल पर यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।